दूसरे है ना स्टैंडर्ड जिन दिनों पहले कर दे से लास्ट टाइम आए थे ऐसे कितने लास्ट टाइम बनाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और नाश्ता वगैरह कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। जैसे कि आप लोग ने मेरे वीडियोस में देखा, बिस्मिल्लाह ध्यान से, जैसे कि आप लोग ने मेरी वीडियोस में देखा, मैंने टिकटॉक पर थोड़ी सी वीडियोस डाली हैं। हम अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों पर थोड़ा टाइम से यहाँ पे हैं। अभी टाइम हुआ है बच्चों के लंच का, अभी टाइम 11:30 हो गया और बच्चों के लंच का टाइम है। तो बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमारा जो सेकेंड लंच आएगा वो आएगा फ्राइज़ और नगर्स, इसलिए मैं फ्राइज़ जो है ना वो ट्राई करने लगी और नगर्स। और मैंने सोचा कि काफ़ी अर्सा हो गया आप लोग से बात नहीं हुई, तो क्यों ना हाँ ये बात, और ज़्यादा गर्म हो गया। मैंने सोचा लंच तैयार करने के साथ साथ आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप भी हो। हम लोग थोड़े से जल्दी में जल्दी में थोड़ा इसलिए क्योंकि अगर बच्चों का लंच थोड़ा भी लेट हो गया तो बच्चों ने स्कूल से बाय कर लेना। हाँ जी मैंने पानी पीना है, छोटे वो छोटे पैकेट नहीं वो वाले अच्छा शाबाश, कोई चीज़ है कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं करने मिलती है आपको भाई। जब कभी आप किचन में आ जाओ तो आपको कुछ नहीं मिलता। मुझे एक और पेन दे दो ताकि हम नगर से कर लो, लेट ना हो, बच्चों का लंच पहुँच सके। पानी मुझे दे दो, प्यास लगी। ओके हम देखते हैं कि यहाँ पे किस किस ने हमें ज्वाइन किया है। माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। और हाँ इसके साथ साथ अगर बच्चों को साथ साथ मार भी पड़ रही है मैं मजाक कर रही हूँ, बाप लोग ये ना कहना शुरू हो जाएगा कि वो बच्चों को मार रही है, इतनी जालिम माया है। बच्चे माशाल्लाह से स्कूल गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी सोचती थी मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं सोचती थी हमारी लाइट भी बड़ी कम है, ये नहीं थी सोचती कि लाइट कम है, मैं ये सोचती थी कि कितना अच्छा होगा वो दिन जब सब बच्चे स्कूल चले जाएंगे और मैं आराम से स्कूल से अपना नाश्ता करूँगी, चाय बड़े मज़े से बैठ के पीऊँगी और ये सब चीज़ें। हाँ ये दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया, माशाल्लाह चारों बच्चे स्कूल जाते हैं और खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो कभी नहीं कहते कि मामा हमने स्कूल नहीं जाना। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो और उसे स्कूल नहीं भेजें तो वो उठ कर नाराज़ होता है कि मुझे आज छुट्टी क्यों करवाई, मैंने स्कूल जाना था। हमारी विंटर की कलेक्शन आ रही है, वो देखना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने फिर rabiaamir.com पे विजिट नहीं किया तो फटाफट से वहाँ पे जाकर विजिट कर लें। हमारे जो मैक्सीज हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम उसके साथ बहुत बिजी हैं। और मियाँ जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देखने आए कि मेरी बेगम किचन में क्या कर रही है, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है कि मेरी बेगम है वो कोई काम ना कर रही है। कहते हैं कि बस तुम रेस्ट करो और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये कहते हैं खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये पक रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, फ्राइज बन रहे हैं और इसके साथ ही जो है ना और हमारी ओपनिंग भी अभी भी हुई है, उसके लिए भी काफी काम करना पड़ता है तो उसके लिए भी मेरी काफी दौड़ भाग रहती है। तो कभी अगर मैं खाना नहीं पकाती तो मियाँ जी जो है ना वो बड़ा कि खाना अच्छा नहीं है, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे लाजमी खाना पकाना पड़ता है ताकि ये मुझसे नाराज़ ना हो और ये मुझे कहे ना कि तुम खुद क्यों नहीं खाना पकाती। तो मैं इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन पका देती हूँ कि ये मुझसे शिकायत ना कर सके, बस गुजारा कर लें जी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बस बहुत बिजी हैं। हफ्सा ये कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करते, व्हाट्सएप नंबर जो है वो वेबसाइट पर है,
और ऑब्वियसली स्टोर क्या है तो उस पे स्टोर हाय मेरे ना पहले से ट्राई करना था अब छींटे उड़ रही सेल्स रिप्लाई जरूर करते हैं यहां पे कर रहे हैं अब नाचे सुंदर बड़ी जब अल्लाह तआला कर बांट रहा था तो कहां पे थी ये लोग जली थोड़ी एड़ियां उठा के और ऊंची हो जाती और ये क्या कर रही है ना माशाल्लाह से दूध बॉईल किया हमने इतना करवा दिया हां भाई माचे ये देखिए ये फ्राइज बन रहे हैं यहां पे और मैं बच्चों के लिए फ्राइज और नगर से अभी मैं फ्राई करती हूं मैं कोशिश करती हूं कि उनके लिए मैं फ्रेश ऑयल हूं पुराना ऑयल वैसे भी मैं इतना यूज नहीं करती क्योंकि वो थोड़ा ग्रीसी सा हो जाता है और वो हेल्दी भी नहीं होता बच्चों के मुझे प्लेट दे दो टिश्यू रख के अभी आप लोग ये मत लीजिएगा कि यहाँ पे मैस है और ये है और वो है ये देखें इतना माशाल्लाह पुराना घर है ये मियाँ जी जब इतने से थे छोटे से थे ये तब का घर है और इतना पुराना घर और अब भी बेस की कंडीशन बड़ी अच्छी है मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे कब हमारा लंच आएगा और मुस्फा जो है ना वो सबसे ज्यादा वो रात को भी कहता था मामा मुस्फा एक लंच सुबह लेके जाता है उसकी 10 बजे ब्रेक होती है उसके बाद फिर वो स्कूल पे ही रहता है और फिर उसकी ब्रेक जो है वो 12 बजे होती है तो उसे रात से फिक्र लगी थी कि मेरा सेकंड लंच क्या होगा तो मामा मेरा सेकंड लंच आपने फ्राइज और नगर्स भेजने हैं फ्राइज आप खुद बना लेना नगर्स आप बाहर से ले आना मैंने कहा अच्छा तो अभी बच्चों को सुबह स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम लोग सीधा ग्रोसरी करने के लिए गए क्योंकि फ्राइज और नगर्स दोनों ही ख़त्म थे तो फिर मैं लेके आई तो मेरे बेटे ने इतने प्यार से फरमाइश की है और रोज़ बता के जाते हैं कि हमारे लिए क्या भेजना और मेरा ख्याल है कि डाइट शायद तो हमारे लिए इसके साथ साथ बच्चों के लिए ये खाना इतना बुरा नहीं है रोज नहीं खा सकते लेकिन हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो 3 दफ़ा तो खा सकते हैं अगर आपके बच्चे फ्रूट अच्छा खाते हैं और रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं तो उसके साथ ये बच्चों की खैर होती है ये उन्हें देना चाहिए क्योंकि बच्चों का ये टाइम है ग्रो करने का तो उनकी मर्जी चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए कुछ हो गया और हमारे पास एक समझदार बच्ची है उसने गीले पैन में ऑयल डाल दिया इसलिए थोड़ी आवाज़ें आ रही इतनी मशाला समझदार है लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी मैं अपना नाश्ता कर चुकी हूँ क्या आप बना रही हैं जी मैं फ्राइज और नगर से बना रही हूँ इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें आपने उसे क्लिक करना है आपको क्या जा रहा है फॉलो करें लाइक करें और मेरे पेज को शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आ सकूँ क्योंकि हम इतना काम करते हैं इतना काम करते हैं और फिर थक जाते हैं कभी दिल नहीं करता कि वीडियो बनाए और मुझे बहुत सारे इंस्टा पर मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप क्यों व्लॉग नहीं कर रही है आपको किसी ने मना कर दिया है ऐसी बात नहीं है मैं खुद थोड़ा बिजी हूँ और इसलिए थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ तो इंशाल्लाह चाहे अपनी मला घर अच्छा से सेट हो जाएगा डेवलप हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसका हम डेली व्लॉगिंग क्या करेंगे और ज़बरदस्त वीडियोस कपड़ों की खाने की घर की और बच्चों की आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या कहेंगे आप लोग क्या कहेंगे आप जी आजकल बच्चे आजकल बहुत बिजी हैं टाइम नहीं है बिल्कुल मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो लाइफ थोड़ी कम होती है ना कुछ नहीं डालें वो कह रहा है कि बाबा कह रहे मुझे भी दें फ्राइज खाना चाह रही है क्या ओ माय गॉड हफ्ता देख लो टाइम क्या हो गया खाना ऑयल में डालू मैं पीछे हो जाऊँ इतना मैं डरने वाली नहीं लेकिन इसकी छींटे बड़ी उड़ गई तो मेरे फेस पे जाके तो
काम किया ना करो, ऐसी बात नहीं कहते खाना भी खुद ना हो, ये भी खुद करो, ये भी खुद करो, ये आपके सामने मासूम बन रहे तो सामने तो ये इतना मासूम नहीं है, आप लोग एग्जांपल देना छोड़ दे। लाइव इतनी अब मैंने आपको नजर तो नहीं लगवानी ना। क्या इतने मैसेज आते हैं कि हम घर जाते हैं तो बीवियां हमें कहती हैं वो देखो जी मुफ्ती साहब को देखो, कहना बीवियां बंदों को नहीं कहना चाहिए, और बंदों को भी ख्याल करना चाहिए बीवियों को कहने की नौबत क्यों पेश आती, बीवियों को कहने की नौबत पेश नहीं आनी चाहिए, बीवी क्यों अपने घर आपके घर के इतने काम करती है, बच्चे संभालती है, आपकी फैमिली संभालती है, सब चीजें करती है, तो आपको चाहिए कि अपनी बीवी का ख्याल करें। अच्छा ये देखें जी हमारे फ्राइज रेडी हो चुके हैं, इसके 3 लंच बॉक्स बनेंगे और गुगु हमारा भी घर आ जाएगा खैर से और गुगु को फ्रेश बना के देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा गुगु जो ना बासी चीज खाए, गुगु इतना प्यारा है, मीठा सा, इतना क्यूट सा बच्चा, इतना मुझे उसमें प्यार आता है और बस देख देख के मैं खुश भी होती, लेकिन मुझे ये भी होता है कि मेरा गुगु बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं गुगु को रोज रोज गोदी में पकड़ के मैं लाडियां करती हूँ कि गुगु बड़े हो जा रहे हो आप बेबी हो, वो कहता है मैं बेबी नहीं मैं बड़ा हूँ, वो कहता है कि मैं सेवन। मैं आप दोनों की वीडियोस बहुत देखती हूँ, थैंक यू अशरा खान। अभी मैं ये आपका जो कमेंट से बाद में पढ़ूंगी, थोड़ा सा लंबा है, अब मैं इतने जरा ध्यान से पढ़ भी नहीं सकती। कह रही है कि मैं वीडियो बहुत देखती हूँ और अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मौली साहब देखें कितने अच्छे बीवी के साथ, सब आजाद अल्लाह करे सबके बंदे इतने अच्छे हो जाए, अल्लाह करे मेरे बेटे इससे भी ज्यादा अच्छे हो। मैं यकीन जाने मैं अभी से अपने बच्चों के लिए तीन दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक हिदायत और मेरे बच्चे जो है ना वो अच्छे खामत बने, अपनी बीवियों को बिल्कुल भी तंग ना करें कि उनकी बीवियां ये ना कह सकें कि ओहो आपके मामा ने क्या तबीयत। निशा खान कह रही है कि प्लीज टॉक अबाउट अरशद शरीफ जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिल्कुल बहुत अफसोस हुआ उनकी, उनको उनके साथ जो जो अटैक हुआ और कतर हुआ, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस की जगह दे, उनके घर वालों को सब्र दे, लेके आओ प्लेट इधर, और बेशक अल्लाह की तरफ से सब फैसले होते हैं, लेकिन ये कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बंदा अच्छा था ऑब्वियसली ही वाज ऑन द राइट पाथ, लेकिन आपको पता है कि आज के दौर में सच्चे बंदे का काम करना बहुत मुश्किल है, तो दैट्स द प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनकी फैमिली को जज़ाए दे, उनके उनको सब्र दे, उनके दुआ की जा सकती है। ये बादाम भी बच्चों को देने थे, हमारी चीजें बड़ी खराब हो जाती हैं और उन्होंने आज के खाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मफरत करे और उनकी फैमिली को सब्र दे, बहुत मुश्किल। हाँ, लेकिन ये है कि अब वो जो सीरियल पे काम कर रहे थे नेटफ्लिक्स सीरियल पे, तो उसका काफी वेट बढ़ जाएगा लोगों को, क्या डिस्क्लोज कर रहे थे उसके अंदर, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स के अब सीरियल जो होल्ड पर है, जो वो बना रहे थे करप्शन के ऊपर, तो लेट्स सी कि वो कंप्लीट हो जाए और अल्लाह करे और हो, और वो शायद मुल्क के लिए बेहतर हो, लोगों को पता चले कि क्या मसले मसाइल हैं। ये बच्चों के नगर सरप्राइजेस के साथ हम एप्पल भेजेंगे, बच्चे इतने बस गंदे बच्चे हैं कि उन्हें कोई भी फ्रूट दे के भेज दो उनके बैग से वापस आएगा, अगर कोई भी आप बादाम काजू कुछ भी दे दो वो वापस लेके आते हैं, बस ये बहुत मसला है बच्चों को। मुझे किसा लंच बॉक्स भी दो, ये मुझे पिंक पकड़ा। शहर बानो अब्बास, अल्लाह करे आपकी बेटी ठीक हो जाए और अल्लाह उसको सेहत दे और आपको और बच्चों का जरूर ख्याल रखें, आजकल क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग केयरफुल रहें, एसी यूज़ ना करें और पंखा यूज़ कर रहे हैं तो कम यूज़ करें और यू नो डाइट का ख्याल रखें, और चेंजिंग वेदर में तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे डाइट का ज़रा ख्याल रखें बच्चों का, और आप वेदर की वजह से पूरी कोशिश करें कि उनको जो है ना ज़रा बीमार रखें, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। और मैंने उस दिन में पढ़ा था फ्रिज को बंद करो और रोटी चीजें जो है ना वो हल्की करो, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, और मेथी जो है ना अच्छे से बना कर रखना, कल हम मेथी बनाएंगे। सॉरी मैसेज बहुत स्पीड से जा रहे हैं, पढ़े नहीं जा रहे हैं, तो अपोलोजाइज बिफोर हैंड, लेकिन आफ्टर द लाइव मैसेज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला और वी कैन रिप्लाई एज वेल, तो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेड। हाँ जी दे आओ, दौड़ के जाओ। जी अल्लाह करे अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को भी हदायत दे, और जो जो हर किसी को हदायत दे, अल्लाह ताला ही सिर्फ दिल मोड़ सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं।
जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह खैर, वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सारे मैसेज हैं, जज़ाकअल्लाह फॉर योर मैसेजेस एंड लव। जी मोहम्मद सुहेल साहिल, अल्लाह ताला आपके लिए भी सब आसानी करे, जो आपके मसले हैं उनको हल करे, आपके भी और हमारे भी सबके मसलों को अल्लाह हल करे, हमारी मदद फरमाए, आपकी मदद फरमाए। जी वालेकुम अस्सलाम असदुल्ला पठान जनाब, जज़ाकअल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन, सबके लिए स्पेशल वालेकुम अस्सलाम। जी तेल नहीं है तो क्या करें? ओके मैं दो ये मैं इतना लेके आई तेल, दो डाले पकड़ के पेट्रोल की छोड़ दो, फोड़ दो। वो कह रही तेल से, तेल ये से मुझे पानी दो, प्यास लग रही। सुबह सुबह हमने नाश्ता कर लिया, पराठा नान चने, ओहो कुछ ना कुछ बड़ा हैवी नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। बस मेरा तो दिल नहीं करता इतना कि मैं इतना हैवी नाश्ता करूं, लेकिन मियां जी कहते हैं चलो जी अब नाश्ता बाहर से कर ही लेते हैं। जनाब अली दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए सब कुछ बेहतर करे, जज़ाकअल्लाह खैर। और प्लीज मेरी सेहत के लिए भी दुआ करनी है, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई, बहुत सारे इशू हैं जिसके लिए मुझे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ है। बस दुआ करते रहे जब मैं ठीक। अब मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा उनके कान का भी इशू हो गया है, उन्हें भी ये हुआ, उन्हें भी वो हुआ, तो मेरा खुद अभी ठीक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने हो गए मुझे बीमार हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ आस्ता आस्ता मैं रिकवरी की तरफ आ रही हूँ। लेकिन मेरे जो चक्कर आने और मेरे जो कान के इशू है कि एक कान से मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता, वो स्टिल वहाँ पे है। लेकिन ये कि मेरा बॉडी बैलेंस, मेरी एनर्जी थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए भी मुझे खुद से एफर्ट करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है दिन में 1-2 घंटे, ताकि मैं उससे थोड़ी सी थकावट मुझे और मेरी नींद उससे पूरी हो, ताकि मैं थोड़ा फ्रेश फील करूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, काफ़ी सारे सलाम हो रहे हैं। जान मोहम्मद, हिना, हिरा, वालेकुम अस्सलाम, नूरीना, जज़ाकअल्लाह खैर। जी वालेकुम अस्सलाम, सैदुल हक, तुम क्यों बोल रही हो? हाँ कह रहे आपने आज ऐनक क्यों लगाई हुई है? जी ऐनक क्यों लगाई हुई है? बस मेरी लेफ्ट आंख का इशू बन गया कान के साथ साथ, और मेरे मियाँ ऐसे हैं कि मजाक उड़ा रहे थे जब मुझे ऐनक लगी, उन्होंने बोला जब इसकी आंख ठीक हो जाएगी तो फिर यही ऐनक कान पे लगा लेगी ताकि इसका कान भी ठीक हो, कान को भी नजर आए दूर तक, कान सुन सके। चले जी मेरा ख्याल है अब हमें दे इजाजत, क्योंकि बहुत सारे काम इंतजार कर रहे हैं हमारा, कह रहे हैं कि फटाफट से आ जाओ और हमें कंप्लीट करो अपने नेक्स्ट डे का टास्क, कल से लेके आना, आज का काम आज मुका लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोशिश भी ऐसे करनी चाहिए रोज़ रोज़ का काम साथ साथ करते जाएं, आज का काम कल पर मत डालो वरना आप सुस्त होते जाएंगे। जी जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, आई एम गोना टेक ऑफ, ओके अल्लाह हाफिज़। मैं जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज़। क्या कुछ भी ठीक है, ओके। अब मेरा ख्याल है अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त, फिर लाइव आएंगे, फिर आप लोगों के साथ करेंगे गपशप। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ, उन्हें लाइक करना मत भूलें, उन्हें शेयर करें और उन पर अच्छे अच्छे से कमेंट्स पास करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सब लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सब लोग के लिए आसानी करें, आपकी मुश्किलात अल्लाह ताला दूर करें। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें।